सनसनी ऑफ इंडिया। स्पेशल स्टाफ दक्षिण जिला की टीम ने थाना तिगरी इलाके में जाल बिछाकर एक ऐसे गैम्बलिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है जिसे दीपक पंडित गैंग का एक ऐसा सक्रिय सदस्य चला रहा था, जिसके खिलाफ पहले से ही मर्डर और अटेम्प्टेड टू मर्डर के 5 मामले दर्ज है। गैम्बलिंग माफिया इतना शातिर और खतरनाक था कि पुलिस की एक्टिविटी से अलर्ट रहने के लिए अपने गैम्बलिंग अड्डे के चारों ओर मुखबिरों का तगड़ा जाल बिछाकर रखता था और खतरा महसूस होने पर आम आदमी हो या पुलिस टीम किसी पर भी गोली चलाने से नहीं हिचकिचाता था। किंतु स्पेशल स्टाफ दक्षिण जिला की टीम गैम्बलिंग माफिया से 4 कदम आगे निकली और जुआरियों का भेष धर के पूरे गैम्बलिंग रैकेट का भंडाफोड़ कर गैम्बलिंग माफिया सहित 34 जुआरियों को दबोच लिया। गैम्बलिंग माफिया की पहचान जे कॉलोनी तिगरी निवासी 45 वर्षीय वीरेंद्र उर्फ बिंदु के रूप में हुई है। गैम्बलिंग अड्डे से दांव पर लगाए 3,49,500 रुपये नकद, 1,466 प्लेइंग कार्ड्स और 2 कार्ड्स प्लेइंग चार्ट्स बरामद हुए हैं। इंस्पेक्टर अतुल त्यागी के नेतृत्व में स्पेशल स्टाफ दक्षिण जिला की टीम गैम्बलिंग और अवैध शराब की बिक्री के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए संवेदनशील इलाकों पर नजर रखे हुई थी। टीम लगातार संवेदनशील इलाकों में मुखबिरों की मदद से जानकारियां एकत्रित कर रही थी। इसके साथ ही इंस्पेक्टर अतुल त्यागी जेल से बेल और परोल पर छूटे क्रिमिनलों की एक्टिविटी और मूवमेंट पर भी कड़ी नजर रखे हुए थे। दिनांक 31 दिसंबर को स्पेशल स्टाफ दक्षिण दिल्ली की टीम को पत्रकारों से जानकारी मिली कि संगम विहार बी ब्लॉक इलाके में 2 व्यक्ति बड़े स्तर पर जुआ खिला रहे हैं। पत्रकारों से मिली इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए इंस्पेक्टर अतुल त्यागी ने संगम विहार बी ब्लॉक इलाके में टीम को एक्टिव कर दिया। पत्रकारों से मिली जानकारी, टेक्निकल सर्विलांस और स्थानीय मुखबिरों से टीम को पता चला कि दीपक पंडित गैंग से जुड़े लोग रिहाशी इलाके में गैम्बलिंग रैकेट चला रहे हैं। साथ ही इंस्पेक्टर अतुल त्यागी को यह भी पता चला कि गैम्बलिंग माफिया से आसपास के लोग बहुत परेशान हैं, अगर कोई इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो गैम्बलिंग से जुड़े क्रिमिनल उसे डराते और धमकाते हैं। डर की वजह से कोई भी इनके खिलाफ बोल नहीं पाता है। इंस्पेक्टर अतुल त्यागी का अपने इलाके में क्रिमिनलों को क्लियर व कड़ा मैसेज है कि उनके इलाके में होने वाला क्राइम छोटा हो या बड़ा, क्रिमिनलों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। क्रिमिनल अपने दिमाग से गलत फहमी निकाल दे कि उनके इलाके में अपराध करके वो बच जाएगा। उनके इलाके में क्राइम को अंजाम देने वाले क्रिमिनल के साथ साथ क्राइम में क्रिमिनल की मदद करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इन्फॉर्मेशन कंफर्म होते ही इंस्पेक्टर अतुल त्यागी ने तुरंत सूचना को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साझा किया। इलाके में चल रहे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए चंदन चौधरी डीसीपी दक्षिण दिल्ली ने तुरंत राजेश कुमार एसीपी ऑपरेशन की सुपरविजन व अतुल त्यागी इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ दक्षिण दिल्ली के नेतृत्व में एसआई योगेश, जय किशन दयानंद, एएसआई अशोक नरेश, मनोज हेड कांस्टेबल पंकज, संदीप ढाल कांस्टेबल अखिलेश, अशोक और लक्ष्मी की एक टीम का गठन किया। इंस्पेक्टर अतुल त्यागी गैम्बलिंग माफिया को रंगे हाथों दबोचना चाहते थे, इसके लिए एक टीम को जुआरियों का भेष धर के गैम्बलिंग के अड्डे पर भेजा। बाकी पुलिस स्टाफ गैम्बलिंग अड्डे के चारों तरफ फैल गया। जुआरियों का भेष धर के गैम्बलिंग अड्डे पर गए पुलिस स्टाफ ने गैम्बलिंग माफिया को शक हुए बिना अंदर अपनी अपनी पोजीशन लेकर बाहर खड़ी पुलिस टीम को अंदर आने का इशारा किया। इशारा मिलते ही बाहर खड़ी टीम ने संगम विहार बी ब्लॉक स्थित एक मकान के बेसमेंट में छापेमारी कर मौके से गैम्बलिंग माफिया सहित 34 जुआरियों को दबोच लिया। मौके पर पुलिस टीम ने जुए में दांव पर लगे हुए 3,49,500 रुपये नकद, 1,466 प्लेइंग कार्ड्स और 2 कार्ड्स प्लेइंग चार्ट्स भी अपने कब्जे में ले लिए। गैम्बलिंग माफिया की पहचान जे कॉलोनी तिगरी निवासी 45 वर्षीय वीरेंद्र उर्फ बिंदु के रूप में हुई है। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि वीरेंद्र उर्फ बिंदु और इंदर भूसा मिलकर गैम्बलिंग रैकेट चला रहे थे। पुलिस का कहना है कि इंदर भूसा के खिलाफ भी गैम्बलिंग रैकेट चलाने के सबूत मिले हैं और इसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गैम्बलिंग माफिया 45 वर्षीय वीरेंद्र उर्फ बिंदु पुत्र ब्रिजपाल जे कॉलोनी तिगरी का रहने वाला है। दिनांक 19 नवंबर 2019 की शाम वीरेंद्र उर्फ बिंदु ने अवैध वसूली को लेकर अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति पर देशी पिस्तौल से गोली चला दी थी। उस समय आरोपी को थाना नेपसराय में एफआईआर संख्या 275/09 धारा 307/34 और 25/54/59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद वीरेंद्र उर्फ बिंदु दीपक पंडित गैंग में शामिल हो गया और दक्षिण जिला क्षेत्र में क्राइम करने लगा। इसने गैंगस्टर दीपक पंडित और कुछ और लोगों के साथ मिलकर एक हत्या की वारदात को भी अंजाम दिया। वीरेंद्र उर्फ बिंदु ऐशो आराम की जिंदगी जीने और आसानी से पैसा कमाने के लिए लंबे समय से अपने साथी इंदर भूसा के साथ गैम्बलिंग का अड्डा चला रहा था। इसके खिलाफ थाना संगम विहार, नेपसराय व ग्रेटर कैलाश में मर्डर और अटेम्प्टेड टू मर्डर के 5 मामले दर्ज हैं।
गैम्बलिंग अड्डे से गिरफ्तार सभी 34 जुआरी संगम विहार देवली व खानपुर इलाके के रहने वाले हैं। इनकी पहचान मनोज पुत्र रामचंद्र, सागर पुत्र जय प्रकाश, दीपक पुत्र तालेभर, सतवीर पुत्र पप्पू, जितेंद्र पुत्र कमलेश्वर, करण गुप्ता पुत्र राधेश्याम, इशल्ला पुत्र माशाल्लाह, सौरभ पुत्र संतोष, संजीव पुत्र लेफ्टिनेंट केवल कुमार, मनोज पुत्र छोटेलाल, विकास शर्मा पुत्र उमा शंकर, राजू खान पुत्र मुन्ना खान, अरुण पुत्र ओम प्रकाश, दीपक पुत्र शत्रुघ्न चौधरी, जावेद पुत्र जमील अहमद, राम प्रकाश शुक्ला पुत्र परसराम शुक्ला, सुल्तान पुत्र हामिद, कौशल पुत्र दयाचंद, राजकुमार पुत्र मनोज कुमार, जीवनानंद पुत्र भगत राम, विंध्याचल पुत्र जोगिंदर यादव, कुलदीप त्यागी पुत्र अमर सिंह, अनुज पुत्र शेरपाल, केशव पुत्र राधेश्याम, अरविंद पुत्र बजरंगी लाल सोनी, राजेश कुमार पुत्र शंकरलाल, नशीर खान पुत्र अब्दुल सत्तार, अनुज पुत्र ब्रजेश, जितेंद्र पुत्र किशन देव, शाहरुख अली पुत्र सराफत अली, सत्येंद्र यादव पुत्र रामबुज, ब्रजेश पुत्र रामनिवास व आनंद पुत्र सर्वेश सिंह के रूप में हुई है। इनके खिलाफ थाना तिगरी में दिनांक 31 दिसंबर को FIR संख्या 482/22 धारा 3-4 गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है, रहे हर पल चौकस। और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया।